झारखंड सरकार ने इस बार कैबिनेट की मीटिंग राज्य मुख्यालय रांची से बाहर देवघर में आयोजित की। इस बैठक को मिलाकर संथाल परगना में झारखंड सरकार ने अब तक 4 बार कैबिनेट की मीटिंग की है। इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा और रघुवर दास संथाल परगना प्रखंड मुख्यालय दुमका में कैबिनेट की मीटिंग आयोजित कर चुके हैं। इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में देवघर और बासुकीनाथ में 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार श्रावणी मेले के साथ साथ देवघर और आसपास के क्षेत्र को विकसित करने का बीड़ा उठा रही है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। श्रावणी मेला, इसको आज कैबिनेट ने निर्णय लिया और भारत सरकार को हम लोग आज कैबिनेट से पास करके ये अनुशंसा कर भेज रहे हैं। इसके राष्ट्रीय श्रावणी मेला को राष्ट्रीय घोषित मेला घोषित करें, ये अनुशंसा आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। दूसरा, जो बाबा बैद्यनाथ धाम, ये जो आध्यात्मिक नगरी है देवघर, उसको हमारी सरकार आने के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक दर्शनीय सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बने, इसको विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया। कैबिनेट की मीटिंग में कुल 17 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें श्रावणी मेले को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की पहल के अलावा चौथी राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही कैबिनेट में बिकने वाली शराब को वैट मुक्त करना, गौरडा के सुंदर जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए 85.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति, दुमका में रिंग रोड बनाने के लिए 36.77 करोड़ की स्वीकृति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रघुवर दास सरकार द्वारा देवघर में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग या राज्य मुख्यालय से बाहर संथाल परगना में अब तक की सरकार की 4थी कैबिनेट की मीटिंग थी। इस मीटिंग में 17 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें 5 प्रस्ताव संथाल परगना से जुड़े हुए थे। इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से देवघर और बासुकीनाथ के मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना समेत दुमका की बाईपास सड़क की पुनर्जीवित बजट और उसके अलावा गुड्डा का सुंदर जलाशय निर्माण समेत 5 योजनाएं थी। ऐसा नहीं है कि दुमका या देवघर या संथाल परगना में कैबिनेट की मीटिंग से कोई स्थानीय विशेष फायदा होता हो, या कहीं भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें पूरे राज्य के स्तर का मामला तय किया जाएगा कि सरकार आगामी समय में क्या करेगी। लेकिन यह आयवासियों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है, खासकर जब चुनाव का वक्त हो। झारखंड में 2019 का विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष के अंत तक होना है, तो उस समय किसी क्षेत्र विशेष में किया गया बजट सरकार को अपने पक्ष में यहाँ के जनता के द्वारा वोटिंग कराने में कुछ मदद जरूर कर सकती है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।